जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का सेवक, छोटा सा सेवक, बालाजी के YouTube चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। जो चैनल खुद बालाजी ही चला रहे हैं, मैं आपको कृष्ण भगवान के बहुत अच्छे अनुभव बताने जा रहा हूँ। आज दो हनुमान जी के भक्त हैं, उनका अनुभव बताने जा रहा हूँ। दो अनुभव हैं, ये बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं है। कहते हैं ना कि हनुमान जी की पूजा करते हैं, जब हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी हर भगवान से मिलाने का दम रखते हैं, राम जी से, कृष्ण जी से, शिव जी से, माता से, सबसे। क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो कोई और हो ही नहीं सकता। हुआ क्यों, हुआ क्या, जय श्री राम बोलकर शुरू करते हैं। जय श्री राम, पहले एक अनुभव बताते हैं, उसके बाद दूसरा। ये भी हनुमान भक्त हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी ने बहुत चमत्कार इनकी ज़िंदगी में किए हैं, भूत प्रेतों से भी बचाया है, सुखी लाइफ जी रहे हैं, जन्माष्टमी का व्रत रखा है इन्होंने और इनकी वाइफ ने। ठीक है, नाम तो बताने के लिए नहीं बोला, तो मैं नाम बताना सही नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे ही अनुभव बताता हूँ। तो जब सुबह सोकर के उठे तो इनकी गर्दन में थोड़ा दर्द था, जन्माष्टमी वाले दिन, और इन्होंने व्रत भी रखा, जबकि ये भगवान श्री राम जी और हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं। और जन्माष्टमी का एक ऐसा व्रत होता है जो सभी करते हैं, लगभग सभी करते हैं, 99.9% लोग करते ही करते हैं जो भक्ति करते हैं। तो उन्होंने व्रत भी रखा, वाइफ के साथ मंदिर भी गए, कृष्ण भगवान की सेवा भी की, हनुमान जी महाराज का दर्शन भी किया, उनकी भी सेवा की। उसके बाद घर आ गए, लेकिन इनके गर्दन का जो दर्द था वो नहीं जा रहा था। जैसा होता है ना कि कहीं से नस कोई दब जाती है या रह जाती है, गर्दन टेढ़ी रह जाती है सोते समय, तो वो दर्द नहीं जाता है, तो दर्द नहीं जा रहा था। शाम हो गई, शाम की पूजा हो गई, अभिषेक वगैरह सब जो होता है वो सब हो गया, और उसी समय के दौरान इनकी थोड़ी देर के लिए आँख लगी। लेकिन पहले, उससे पहले इन्होंने जब पूजा कर रहे थे तो राम दरबार के सामने हाथ जोड़ के विनती करी कि प्रभु ये दर्द मेरा बंद कर दो, दर्द सही नहीं हो रहा बाबा, बहुत दर्द कर रहा, परेशान कर रहा, गर्दन ये ऐसे ऐसे मोड़ नहीं पा रहा मैं, कृपा करो मेरे पे कि ये दर्द मेरा बंद कर, सहन नहीं हो रहा है। जब आपका तो मैंने कृष्ण जी, आप कृष्ण रूप में हो, कृष्ण जी का मैंने आज व्रत भी रखा है कृष्ण रूप में, तो मेरा ठीक कर दो ना प्रभु, कितना कह के ये लेट गए हैं, थोड़ी सी झपकी लगी है, कहते हैं ना 10-15 मिनट की झपकी लग जाती है आदमी को, तो झपकी लगी है। उस झपकी में ये देखते हैं कृष्ण भगवान साक्षात इनके सामने, इनके सिर पे हाथ रखते हैं, इनको बांसुरी देते हैं अपनी, और ये देखते हैं बांसुरी लेने से पहले, अरे कृष्ण भगवान आप, मैं तो आपकी इतनी पूजा भी नहीं करता, आपको राम दरबार के सामने बैठ के मैंने एक बार पुकारा और आप आ गए, बहुत धन्यवाद किया कि बांसुरी वाले कृष्ण भगवान मेरे पास आ गए, और उनकी बांसुरी पकड़ी है इन्होंने और वो गायब हो गए। कृष्ण भगवान बांसुरी लेकर के बजा रहे हैं उस बांसुरी को, और इतनी प्यारी धुन निकल रही है उसमें से, बांसुरी में से, कि ये खुद सोच रहे हैं कि मेरे को बांसुरी बजानी तो आती नहीं है, लेकिन धुन कैसे निकल रही है। और बजाते बजाते इनका मुंह खुल गया है और वो बांसुरी इनके मुंह में घुस गई है, उधर की साइड से पार निकल गई, जहां की साइड दर्द था, इधर की साइड दर्द था, यहां से घुसी बांसुरी, यहां से पार निकल गई, और झट से इनकी आंख खुली। अरे ये क्या हुआ, कृष्ण भगवान आए थे, बांसुरी दी थी, बांसुरी मेरे मुंह में घुस गई, पार निकल गई, अरे ये क्या हुआ, मेरा दर्द ही गायब हो गया। अरे भगवान कृष्ण से, भगवान राम से, राम दरबार के सामने विनती करके सोया था मैं कि प्रभु, लेटा था मतलब, विनती की थी कि प्रभु दर्द बंद कर दीजिए, दर्द सहन नहीं हो रहा, और देखो उन्होंने इनकी विनती स्वीकार कर ली और दर्द, बांसुरी दी, बांसुरी बजा रहे थे, बजाते बजाते बांसुरी मुंह में गई और यहाँ से निकल गई दर्द वाली जगह से, और दर्द गायब हो गया, मात्र 5 मिनट में दर्द गायब हो गया। ये होता है भगवान का चमत्कार, भगवान को भगवान के सामने, भगवान के दिन ही, जन्मदिन के दिन ही भगवान को पुकारा, भगवान नहीं आते क्या सच्चे दिल से, ऐसे बोलते हैं सच्चे दिल से पुकारो भगवान आते हैं, कहते हैं ना कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, आप सच्चे दिल से बुलाते नहीं, या शबरी के जैसे बुलाते नहीं, तो इन्होंने बुलाया। देखो इनकी समस्या भी दूर कर दी, भगवान को दर्शन भी देके चले गए, और ये बहुत आंखें नम भी हो गई थी इनकी। ठीक है, और ये अनुभव था इनका जो इन्हें
हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी ने इन्हें कृष्ण जी से मिला दिया। अच्छा अनुभव है ना। अच्छा, एक तो ये अनुभव था, अब दूसरा अनुभव शुरू करते हैं। दूसरे भैया हैं, उन्होंने हमें ईमेल लिख के भेजा कि भैया मैंने उनका अनुभव पहले भी बताया था कि मंदिर में बड़ी उनके साथ बदसलूकी हो चुकी है, मंदिर में जिस मंदिर में वो जाते हैं उस मंदिर में बदसलूकी हो चुकी है, जहाँ पे हनुमान जी का गर्भगृह मंदिर है वहाँ पे, वो छोटा है उस मंदिर में, वो छोटा है जहाँ पे भीड़ इतनी इकट्ठी हो जाती है कि सब लोग घुस नहीं पाते हैं। तो ये क्या करते हैं अब क्या करते हैं कि वहाँ से अलग हटके लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति कोने में है, वहाँ कोने में मूर्ति के सामने बैठ के अपनी राम स्तुति, चालीसा, बजरंग बाण, मारुति पाठ, जो जो भी इन्हें करना होता है हम कोने में बैठ के करते हैं। ऐसा ही इनके साथ इस बार हुआ जन्माष्टमी वाले दिन, जो कि जागृत अनुभव है। सुनो, जय श्री राम बोल के बताता हूँ। जय श्री राम। हाँ, हुआ क्या, ये अपना कोने में जैसे हर बार की तरह दर्शन सबके हाथ जोड़ के भगवान के कोने में लक्ष्मी नारायण भगवान यानी कि विष्णु जी के पास, लक्ष्मी जी और विष्णु जी के पास बैठ करके अपना पाठ कर रहे थे, क्योंकि सबसे बड़े तो वही हैं, उनसे बड़े तो कोई है ही नहीं। पाठ करते 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 इन्होंने अपने बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, मारुति स्त्रोत, राम स्तुति वगैरह सारे पाठ किए। पाठ करते करते विनती कर रहे हैं कि प्रभु आप कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, और मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, आप सुनते हैं, और आज तो जन्माष्टमी है, प्रभु कृष्ण जी के रूप में आपने अवतार लिया है। इतना बोल के ये अपना पाठ में लग गए। तो क्या देखते हैं, सच में स्वप्न नहीं है, क्या देखते हैं कि एक बहन, कोई बहन है, दीदी है कोई, वो अपने बच्चे को लेकर के आती है, और बच्चा बहुत छोटा, बड़ा क्यूट सा, बहुत क्यूट, लाइक ए कृष्ण भगवान, जन्माष्टमी में बाल कृष्ण की तरह वो बच्चा आया है। वो खुद नहीं आती है लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पास, अपने बच्चे को गोद से उतार के बोलती है कि ये लो फूल दे आओ लक्ष्मी नारायण भगवान जी। वो बच्चा जितना समझता है, 3-4 साल का बच्चा होता है, वो फूल लेता है, वो भगवान की मूर्ति के पास ना रख के इनके पास रख देता है। अब ये संकोच में आ जाते हैं कि ये भाई ये क्या हुआ। चलो सोचते हैं कि बच्चे ने नहीं ध्यान दिया, लेकिन बच्चा इतना मनमोहक था कि उसे गोद में ले लें और खूब प्यार करें, ऐसा बच्चा था। उन्होंने वो फूल पाठ, अपना पाठ करते करते वो फूल उठा करके लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में रख दिया, और जब हनुमान चालीसा का पाठ करते उसी दौरान एक लक्ष्मी नारायण जी यानी विष्णु जी की मूर्ति से एक फूल गिर के इनके पास भी आया। ये दो इनके साथ संकेत बहुत अच्छे हुए, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब उनकी वो दीदी जो थी, जो अपने बेटे को वापस गोद में ले रही थी, वो कह रही थी कि माधव तूने गलत किया, आज देख तेरे को मैंने ये बोला था बेटा तूने ऐसे, उस बच्चे का नाम माधव था। माधव किसका नाम है, कृष्ण भगवान का नाम माधव है। कहने का मतलब ये है कि कृष्ण भगवान के रूप में वो बच्चा इनके पास आया कि बेटा रोज तेरी कई बार इस मंदिर में बेइज्जती हुई है, तू कोने में बैठ के पाठ करता है, ले आज तेरे को मैं प्यार से फूल चढ़ा के जाता हूँ। वो भगवान कृष्ण के रूप में ही मैं कहूँगा कि भगवान ने इनको प्यार से फूल दिया और इन्होंने विष्णु जी के चरणों में रख दिया। ये भी एक अपने आप में बात बहुत प्यारी है, क्योंकि कृष्ण भगवान जैसा लड़का लग रहा था, वो क्यूट, बहुत दूध, बहुत प्यारा बच्चा होता है ना, कोई किसी को बच्चे से प्यार ना हो, और एक बच्चा ऐसा सामने आ जाए उसको कहता अरे यार कितना प्यार है यार, इसे तो मैं गोद में ले लूँगा, जबकि मैं बच्चे से प्यार नहीं करता तब भी, ऐसा बच्चा। और उन्होंने फूल दे गया, उसका नाम भी माधव था, माधव कृष्ण जी का नाम होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई साहब। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा अनुभव है, जो इन्होंने जागृत अनुभव देखा कि साक्षात, मैं कहूँगा भगवान खुद नहीं आते हैं, किसी को भेज देते हैं, इनको फूल दिया प्यार से, ये इन्होंने लिया और विष्णु जी के लिए रखा, और इनके मन में वो भाव उत्पन्न हो गए कि मेरी बार बार मंदिर में बेइज्जती जैसे हुई है, तो प्रभु ने आज मुझे वो उपहार दिया है जो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। ये अनुभव इन्होंने हमें लिख के भेजा कि भैया सेम बाल कृष्ण था वो, और वो मेरे लिए कृष्ण भगवान ही था बच्चा, इसने इतना प्यारा बच्चा था। तो ये अनुभव इन्होंने हमें बताया। इस तरह के अनुभव आपको भी होते होंगे कि कोई बच्चा या कोई ऐसा लगता हो यार कि भगवान का रूप है, क्योंकि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, तो बच्चा भगवान ही था इनके लिए। तो ये अनुभव, दोनों अनुभव आपको कैसे लगे, जो पहले अनुभव में आपने देखा कि कृष्ण भगवान जी ने दर्शन दिया साक्षात, जबकि उन्होंने राम दरबार के सामने बैठ करके विनती की थी मेरा दर्द ठीक कर दो, और कृष्ण भगवान आए, अपनी बांसुरी दी, इन्होंने बांसुरी बजाई और यहाँ से घुस के यहाँ से निकली और दर्द खत्म। और इस वाले अनुभव में इन भैया के साथ क्या हुआ, कई बार
पंडितों ने इनके साथ बसलूकी किया, ये कोने में बैठ के पूजा करते हैं। इस बार कृष्ण भगवान है, ये दोनों जन्माष्टमी के अनुभव है, दोनों हनुमान भक्त हैं, दोनों हम हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ये दोनों ने हमें ईमेल किया है, जन्माष्टमी का अनुभव, ये दोनों का अनुभव है। और आपको कैसा लगा हमें जरूर बताना, और आपको भी अगर अनुभव होते हैं तो कम से कम शब्दों में लिखें, हम समझ जाएंगे और फिर हम उसको अपने बालाजी के इस चैनल पर प्रकाशित जरूर करेंगे, पब्लिक जरूर करेंगे, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी हनुमान जी महाराज कृष्ण भगवान से भी मिलाएं, हनुमान जी से भी मिलाएं, श्री राम जी से भी मिलाएं, माता रानी से भी मिलाएं, काली माता से भी मिलाएं, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे भगवान है जो कहीं भी किसी भी जगह किसी भी लोक में परलोक में किसी भी देव के पास ऐसे जा सकता है, और कोई देवता किसी के पास नहीं जा सकता, हनुमान जी जा सकते हैं। तो ये दोनों अनुभव के बारे में कमेंट जरूर कर रहे हैं, हमें बताएं, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।